खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ नसीर खावड़ के मुताबिक आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाड़काना की जनरल बॉडी का इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन कमिश्नर लाड़काना शफीक महसर की सदारत में मुनक्कद हुआ। आर्ट काउंसिल पाकिस्तान लाड़काना की सीनियर मेंबर डॉक्टर सकीना गाद ने खिताब करते हुए कहा कि आर्ट काउंसिल पाकिस्तान लाड़काना हाल को फ्लावर जजारी का नाम दिया गया है, इसमें किसी को इतराज़ ना होना चाहिए। यह इदारा हमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दिया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से लाड़काना में इतना अच्छा इदारा कायम हुआ है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की खवातीन मेंबर में आर्ट काउंसिल पाकिस्तान में खवातीन को मेंबर किया जाए। सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार खावड़ ने कहा है कि हमें सालाना 30 लाख सिंध हुकूमत की जानिब से बजट मिलता है, हम ये इदारा चलाते हैं। हम बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा करते हैं कि ये बजट कम है, बढ़ाकर सालाना बजट 1 करोड़ किया जाए। इन्होंने कहा कि हम जानकारों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं, इनको सहूलतें फराहम करते हैं। इजलास में खिताब करते हुए साबिक एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल नबी सारियो ने कहा है कि काफ़ी फजूल खर्चे किए जाते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई सहूलियत नहीं और ना ही CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मेम्बरान के लिए ना ही कैंटीन शुरू की गई है, अब तक मेम्बरान के हाल में बैठने के लिए ना कुर्सियाँ रखी गई हैं, जबकि उदरान अपने ऑफिसों को सजाकर बैठे हुए हैं, जबकि किसी बीमार और गरीब फनकार की मदद नहीं की जाती। इजलास में मेम्बरान को बिरयानी के डब्बे दिए गए, जिसमें अंदर से डब्बे खाली निकले। रिपोर्ट कर रहे हैं लाड़काना के ब्यूरो चीफ नसीर खावड़। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।